प्रिंस बोंगो के बारे में जानने आए हैं। सुनकर खुशी हुई कि ज़पाटा की जनता को अपने प्रिंस से इतनी मोहब्बत है। तुम सब इतने परेशान क्यों हो? सब तो नहीं, मगर इसकी हालत जरूर खराब है। जब से इसने तुम्हारे पास अपनी वो फोटोग्राफ देखी थी ना, तब से डर के मारे इसकी तो हालत खराब है। इस हॉस्टल इंचार्ज के ऊपर मेरा कोई असर नहीं हो रहा। क्या मुश्किल है? उसके पास शायद हमारे दुश्मन की वेव्स और पावर है। तुमने हाई पावर रेंज दिया? हाँ, मैंने पूरी कोशिश की किंग अरांगो, लेकिन उसके वेव्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग है और मेरा पावर उस पर नहीं चल रहा। मुझे विश्वास है कि अरांगो कुछ न कुछ जरूर करेगा। एक्सक्यूज मी, इंसान होकर इंसानों को तबाह करने की तुम सोच भी कैसे सकते हो सूरती? जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया उसी को बर्बाद करने चले हो? अरे एक जिंदगी में जहां प्यार करने के लिए वक्त कम पड़ जाता है, वहां तुम इंसान एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकते हो? ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो सूरती। अरे दिल जीतना सीखो, देखना सारी की सारी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में होगी। ये शिक्षा तुम जाकर अपने सनी को दो, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे अंदर बैठा वो राक्षस अरांगो बोल रहा है। लगता है तुम्हें समझाने के लिए मुझे कोई और बोली बोलनी पड़ेगी। अपनी मौत का कारण खुद क्यों बनना चाहते हो सूरती? अरांगो का फैसला तो तभी हो चुका था जब वो ज़पाटा से भागा था। उसकी मौत तो निश्चित है। अरे आज पहला पीरियड कौन सा है? मिसेस जोशी का हिस्ट्री का पीरियड है। आज इजिप्ट के पिरामिड का होमवर्क चेक होने वाला है। सनी, क्या तुमने होमवर्क किया? बड़ी मुश्किल से इंटरनेट पर से थोड़ी बहुत रिसर्च करके लाया हूँ। ओ यार, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी से मदद मांगी तो उन्होंने कुछ लिख कर दिया। अपना तो हो गया काम। शक्ति यार, फिर किसी स्टूडेंट का फुट रहा टूटने वाला है क्या? ओए चटर पटर, क्यों खोलते अपने मुँह का शटर, वरना तेरी बात सच हो जाएगी। क्यों, तुम होमवर्क नहीं किया जी? आदत से मजबूर है बेचारा। बंद कर अपना चटर पटर। तो चिंता मत कर यार, मैं तुझको ऐसी गोली दूंगा जिससे तेरे दिमाग का शटर खुल जाएगा। ले। तेरी क्या प्रॉब्लम है शक्ति, बताओ? तुझमें स्टैमिना और कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम है। मैं एक काम करता हूँ, तुझे एक ड्रिंक पिलाता हूँ जिससे तेरा स्टैमिना और कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बढ़ जाएगा और तुझमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो आज होमवर्क का पीरियड,
पिछली क्लास में मैंने इजिप्ट के पिरामिड पर कुछ लिखकर लाने के लिए कहा था। स्टूडेंट्स, इजिप्ट बहुत ही सुंदर है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। हाँ हाँ, पिरामिड जो मेरे दादाजी ने बनाया था। अपना अपना होमवर्क निकालिए, अभी मेरा नाम लेगी शक्ति। मैंने कहा था। यस टीचर। अपना होमवर्क दिखाओ। सॉरी टीचर, होमवर्क नहीं किया। आई न्यू इट, मुझे पता था कि तुम होमवर्क करके नहीं लाओगे। यू आर गुड फॉर नथिंग, बस क्रिकेट खेलते रहो, तुम किसी काम के नहीं हो। रूलर, आई सेड रूलर। अर्पिता, मुझे रूलर दो। हमेशा की प्रॉब्लम है, कभी होमवर्क करके नहीं आता। लगता है टीचर भी आज सुपर ड्रिंक पी के आई है। यू गुड फॉर नथिंग, कभी होमवर्क करके नहीं लाता। नाउ आई विल शो यू। बताओ, इजिप्ट के पिरामिड की हिस्ट्री क्या है? टेल मी। आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू नो द आंसर। अभी अभी के अभी मैं जानना चाहती हूँ क्या आंसर है। इजिप्ट के बारे में क्या जानते हो तुम? कम ऑन, कम ऑन, टेल मी, टेल मी, टेल मी। पिरामिड क्या है? कम ऑन, गिव मी द आंसर, आई वांट नाउ। इतिहास तकरीबन 3300 साल पुराना है। ये खुला उसके मुंह का शटर, जिसमें राजा मेंस ने इजिप्ट के दो भागों को संपूर्ण करके एक संपूर्ण इजिप्ट बनाया है, जिसमें कई शाही राजा और महाराजा आके चले गए। एक दिन सिकंदर ने इस इजिप्ट पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली, फिर अपनी विजय का झंडा लहराते हुए वो आगे निकल गया। 8वीं क्लियोपेट्रा ग्रीक की रानी ने इजिप्ट पर उनके बेटे के साथ रोब जमाया। इजिप्ट के दो खास पार्ट्स हैं, जिसमें एक है नाइल नदी और दूसरे हैं इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स। पहला पिरामिड 27 बीसी में बनाया गया था, जिसमें शाही मुर्दों को दफनाया जाता था। सबसे आकर्षक पिरामिड है खुफू का पिरामिड, जिसमें 63 लैग ब्लॉक्स है और एक ब्लॉक का वजन है करीबन 2.5 टन। दिन के समय में खुफू पिरामिड सभी टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। खुफू पिरामिड के आजू बाजू 3 से 4 छोटे पिरामिड बनाए गए हैं, जहां पर दो बड़े अमानुष पहरेदार पुराने जमाने में दरबार की रक्षा किया करते थे। जहां पर पिरामिड के दरबार में हमेशा बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली इंसानों को बेशुमार इनाम से भेंट किया जाता था। ऑन अदर हैंड, पापी, चोर और गुनहगारों को सबसे सख्त सजा दी जाती थी। रात के समय में सभी पिरामिड्स बहुत सुंदर लगते हैं, जहाँ पे सभी पिरामिड्स की चौकानी मशाले रात के अंधेरे को चीर देती थी। रात के समय में रंग बिरंगी मूर्तियाँ यूं लगती थी जैसे कि कोई जिंदा इंसान हमारे सामने खड़ा हो। ये सारी मूर्तियों का संबंध जिसे पिक्चर राइटिंग कहते हैं। तो ये था इजिप्ट के पिरामिड्स का इतिहास। अय्या, तूने तो कमाल कर दिया जी। तूने तो कहा था कि तूने होमवर्क नहीं किया, फिर तुझे इतनी बड़ी हिस्ट्री कैसे याद रही? तू तो बहुत बड़ा छुपा रस्तम निकला शक्ति। वो शक्ति, तूने तो अपना मुंह का शट्टा खोल के कमाल ही कर दिया। इजिप्ट के पिरामिड अगर इतना गहरा था, हमारे प्रिंसिपल को भी नहीं याद होगा। यू आर जस्ट ग्रेट शक्ति। सब क्लोजिंग सिर्फ 2 मार्क्स।
बात का मतलब सर प्लीज साइन कर दीजिए सर मेरा सप्ताह इस कॉलेज में पढ़ने का सर सर प्लीज देखिए बोर्ड पे भी लिखा है मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ साथ सिर्फ यहाँ तक मैं बाथरूम जा रहा हूँ वहाँ भी साथ में आओगे क्या देखो मैं कब से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ वो काफी नहीं है भले तुम्हारे दो ही मार्क कम हो लेकिन तुम्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा रूल इज रूल अब मैं जा सकता हूँ मेरे फ्यूचर का सवाल है सर अरे तुम मेरे फ्यूचर का तो सोचो अब तुम जाते हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं ओके सर स्टूडेंट मेहनत करनी नहीं है मिशन मेरे चले आते हैं कौन है अंदर कौन है अंदर क्या हुआ सर क्या हुआ क्या क्या अंदर जंगली जानवर है वो भी बिना एडमिशन लिए कॉलेज में जानवर बाथरूम में जानवर क्या बात करें सर आप अब तो मेरे साथ चलो कहाँ है जानवर सर उधर क्या हुआ सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जंगली जानवर गुड मॉर्निंग सर मानो यस सर क्या हुआ बाथरूम में कौन था मैं था सर तुम्हारे साथ कौन था सर आप कैसी बात कर रहे हैं बाथरूम में तो हर कोई अकेला ही जाता है ऐसा कैसे हो सकता है मेरा मतलब ऐसा ही होता है लेकिन तुम्हारे साथ कोई था अंदर कोई था नहीं सर आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग मैं ही था वहां क्या बात करते हो नहीं कोई था तो जानवर का पैर देखा मैंने क्या बात कर रहे हैं सर आप जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा ना सर शट अप आई नो दैट सर आप मेरी बात सुनिए मेरा विश्वास करिए मैं ही था अंदर और कोई नहीं नहीं वो हरे हरे पैर देखे मैंने सर ये लड़का काफी देर से इंतजार कर रहा है आप इसके एडमिशन फॉर्म पे प्लीज साइन कर दीजिए हमारे कॉलेज को ऐसे सिंसियर स्टूडेंट्स की जरूरत है एक्सक्यूज मी सर सर प्लीज सर साइन कर दीजिए सर प्लीज जानवी चल रहा क्या कर रही है यार देख जानवी अंबिका हमेशा के लिए थोड़ी ना गई उसकी मॉम बीमार है कुछ दिनों के लिए गई है वापस आ जाएगी और जानवी वैसे भी एफआईएससी की बात आ रही है तो राखी की तैयारी तो कर ली है ना बिल्कुल सर वेरी गुड नहीं महेश तुम लोग ही तैयारियां कर लो मेरा मूड नहीं है एकदम भी अरे अरे यू नो आई एम रियली मिसिंग अंबिका अब तो मैं हॉस्टल में भी अकेली हो गई महेश तुझे तेरी रैगिंग याद है क्या अरे मत पूछ जानवी जानवी से क्या पूछ रहा है मैं बात कर रहा हूँ ना क्या पैंट उतारी थी तेरी अरे जानवी पूछना अरे इसकी पैंट उतारी थी पूछ फिर क्या हुआ पूछ क्या हुआ था बताना अरे ये क्या बताएगा जानवी इसकी पैंट उतार दी और फिर पैंट उतारी हुआ था कि नहीं
हंसी दैट्स द स्पिरिट वेरी गुड वेरी गुड हाय फ्रेंड्स ओह हाय हाउ आर यू सो न्यू बैच के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं हाँ भाई आखिर हम लोग सीनियर्स हैं यार थोड़ी बहुत रैगिंग तो करनी चाहिए क्यों भाई Of course. Sure, sure, why not? But please, no physical strain. President bola. Yes, sir. Yes, sir. sir, छोड़ो तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ तू प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे रहा है क्या Just kidding. अच्छा सुनो वो फोटो वाली बात को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है मसला हल हो चुका है That's great news, यार. Thanks, मानव. ये फोटोग्राफ जिनके पास थे वो कौन लोग थे मानो वो मैं नहीं बता सकता लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि तुम लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो कि अब टल चुकी है ए, मानव मानव बताना यार कौन लोग मानव बताना प्लीज कौन लोग थे बताना आई एम सॉरी आर्यन लेकिन उनकी पहचान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन हाँ वो जो कोई भी है अब तक मेरी बात उसके कानों तक साफ साफ पहुंच चुकी है गुड डे किंग अरंगो साफ साफ बताओ सुरती क्या हुआ वो ये देखिए किंग अरंगो ये देखिए क्या किया उसने क्या हुआ वो किंग अरंगो हुआ ये कि ये शिक्षा तुम जाकर अपने सनी को दो मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है ये तुम नहीं बोल रहे तुम्हारे अंदर बैठा वो राक्षस अरंगो बोल रहा है लगता है तुम्हें समझाने के लिए मुझे कोई और बोली बोलनी पड़ेगी अपनी मौत का कारण खुद क्यों बनना चाहते हो सुरती अरंगो का फैसला तो तभी हो चुका था जब वो ज़पाटा से भागा था उसकी मौत तो निश्चित है उसके बाद तो किंग अरंगो कमाल हो गया वो जो मानव था वो तो बोंगो बन गया लगता है तुम्हें समझाना ही पड़ेगा हाँ
हुआ? समझे या नहीं समझे? हाँ समझ गया। हाँ या ना? नहीं कभी नहीं। Ha ha ha.